एडिंग टू इंटीजर्स। सी प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स को ऐड कैसे करें? यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखे हैं, इनको अब एक एग्जांपल से देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है, स्टार स्लैश पर एंड होता है, जो उसके बीच में एक लाइन लिखी है एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। ये मल्टी लाइन कमेंट है जिसमें लिख दिया एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। उसके बाद में हैश इंक्लूड stdio.h, जो सी प्रोग्रामिंग की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, उसको इंक्लूड किया। उसके बाद में मेन फंक्शन है इंट मैन, और उसके पैरेंथेसिस में वॉइड लिखा है, मतलब वो कुछ इनपुट में नहीं ले रहा है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। आगे कमेंट है जो कह रहा है कि फंक्शन मैन बिगन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बाद में डिक्लेरेशन है इंटीजर वन और इंटीजर टू का एज ए इंटीजर, तो इंट मतलब इंटीजर है और इंटीजर वन और इंटीजर टू का डिक्लेरेशन हो रहा है। उसके बाद में इंट सम, सम का डिक्लेरेशन हो रहा है। कमेंट में आगे लिखा हुआ भी है टू नंबर्स टू बी एंटर्ड बाय यूजर वेरिएबल इन विच सम विल बी स्टोर्ड, मतलब इंटीजर वन और इंटीजर टू दो वेरिएबल हैं, वो जब प्रोग्राम रन करने वाला यूजर है वो इनपुट में इनकी वैल्यूज देगा, वो उसके रूप में डिक्लेयर किए हैं, और सम है वो इन दोनों के समेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। आगे प्रॉम्प्ट कमेंट में लिखा है, प्रॉम्प्ट मतलब आगे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो प्रॉम्प्ट के रूप में काम में लेगा, काम में आएगा, मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एंटर फर्स्ट इंटीजर ऐसा प्रिंट कर देगा जिससे यूजर को इंस्ट्रक्शन के रूप में मिल जाएगा। और स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखा है जो एक इंटीजर वन को रीड करेगा, मतलब कोई वैल्यू यूजर जब देगा उसको इंटीजर वन में रीड कर लेगा, फिर से प्रॉम्प्ट करेगा। एंटर सेकेंड इंटीजर को रीड कर लेगा। बाद में सम इक्वल टू इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू, मतलब इंटीजर वन और इंटीजर वैल्यू की जो वैल्यूज दी है उनको ऐड करके सम को असाइन कर लेगा। और प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी का, मतलब यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट कर लेगा, मतलब यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसके अंदर बैक स्लैश या परसेंटेज आने पर उनका मीनिंग अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा प्रिंट करेगा। हमने सारे कमेंट हटा के इस प्रोग्राम को लिख दिया। उसके बाद में इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तब क्या होता है वो लिख दिया। तो इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के कारण पहला सेंटेंस देता है एंटर फर्स्ट इंटीजर, जब उसके बाद में यूजर द्वारा जैसे कोई नंबर हमने 5 दिया है, ऐसे 5 एंटर करते हैं तो वो इंटीजर वन में रीड हो जाता है। उसके बाद में ये प्रॉम्प्ट करता है एंटर सेकेंड इंटीजर। बाद में फिर से हम कोई नया वेरिएबल देते हैं जैसे 6 दिया तो वो इंटीजर 2 में स्टोर हो गया। ये सम करता है, 5 और 6 का समेशन 11 है, और ये प्रिंट कर देता है सम इज 11। उसके बाद हम समझते हैं कि जो प्रोग्राम है इसमें इंटीजर वन इंटीजर टू और सम क्या है। तो ये वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी लोकेशन में रखी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेरिएबल को हम कहीं लिखते हैं तो ये किसी लोकेशन पे किसी वैल्यू को स्टोर करने के या वहाँ पर जहाँ पर वैल्यू स्टोर किया है उसको पढ़ने का काम होता है। ये वेरिएबल ही उस मेमोरी लोकेशन की पहचान होता है। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे int इंटीजर वन सेमीकोलन, मतलब एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट ख़त्म हो गया। बाद में इंटीजर टू दूसरा स्टेटमेंट ख़त्म हो गया। बाद में इंट सम, मतलब यहाँ इंडिविजुअली हर वेरिएबल को अलग अलग रो में डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंट आगे इंटीजर वन इंटीजर टू इंटीजर और सम है। दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए बीच में एक कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है। इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ पर किसी प्रोग्राम में क्या क्या दे सकते हैं, तो हम इस तरह की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं 6-20039147 टीसी। तो सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स को कई वैल्यूज दे सकते हैं, इनमें एक अपर बाउंड है लेकिन वो यहाँ पर नहीं देखेंगे। यहाँ पर इंटीजर वन इंटीजर टू और सम से पहले INT लिखा है तो एक डेटा टाइप है। सी प्रोग्रामिंग में अदर डेटा टाइप्स फ्लोट करेक्टर शॉर्ट लॉन्ग डबल आदि हैं। इंटीजर वन और इंटीजर टू और सम ये वेरिएबल्स के नाम हैं। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब समझते हैं, तो जो भी वेरिएबल नेम्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। और वैलिड आइडेंटिफायर में हम कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी डिजिट है, और कोई भी उसके अलावा अंडरस्कोर है। अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, अपर केस या लोअर केस, मतलब कैपिटल या स्मॉल में कोई भी,
वो हैं, और अंडरस्कोर उनमें हम वैलिड आइडेंटिफायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल नेम है उसमें डिजिट, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वेरिएबल नेम के शुरू में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम सम है, इसमें एस शुरू में है, स्टार्टिंग में है, इंटीजर वन में आई स्टार्टिंग में है, इंटीजर टू में आई स्टार्टिंग में है, यहाँ स्टार्टिंग में कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल नेम में कोई भी अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव होती है, मतलब यहाँ पर मैंने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें सब लेटर्स सो लोअर केस में लिखे हैं, लोअर केस का मतलब छोटे अक्षरों में लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स में कुछ भी नहीं लिखा है। कैपिटल सी प्रोग्राम में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग समझा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर की स्पेलिंग INTEGR लिखी है, यहाँ पर यदि मैं इंटीजर में किसी भी एक भी करेक्टर को अपर केस में लिख देता हूँ तो वो अलग वेरिएबल नेम हो जाएगा उसका, वो ये अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। जो भी वेरिएबल्स हैं उसको किसी नाम से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, उसमें उसका डाटा टाइप बताना पड़ेगा, उसे बाद में ही प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्कैनएप में इंटीजर वन को रीड कर रहे हैं, उससे पहले हमने इंटीजर वन को एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है जो सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कई लोग काम में लेते हैं, वो उसमें कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो शुरुआत में करने पड़ेंगे। जैसे हमने इंटीजर सम वन, इंटीजर टू और सम को शुरुआत में डिक्लेयर किया, वहाँ पर ही सारे डिक्लेरेशन करने पड़ेंगे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। हाँ, GCC जो GNU का GCC है और बाकी कुछ कंपाइलर्स हैं उनमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। सी प्रोग्राम में सेंटेक्स, किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को सेंटेक्स कहते हैं, जो मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग में ये एक जनरल वर्ड है सेंटेक्स, जो किसी भी प्रोग्रामिंग में एक लिखने का कोई पैटर्न है, कोई सेंटेंस है, उसको सेंटेक्स कहते हैं। और सेंटेक्स एरर उसको कहते हैं जब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। मतलब कई बार जैसे हम कोई किसी भी भाषा में कोई वाक्य बोलें और वो वाक्य अधूरा हो, या वो वाक्य किसी क्रम में नहीं लिखा गया हो, या वाक्य में जो शब्द बोले गए हैं वो अशुद्ध हों, तो हम उसका कोई मीनिंग नहीं समझ सकते, उसका कोई अर्थ नहीं समझ सकते। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी यदि कोई वाक्य कंपाइलर को समझ में नहीं आता है, जो प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कंपाइल करता है उसको समझ में नहीं आता है, तो वो एक एरर देता है, एरर मैसेज प्रिंट करता है, जिससे प्रोग्राम लिखने वाले को हेल्प मिल सके, उसको एरर को हटा सके। तो जो भी लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करने वाला जो स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए एक एरर दिखाता है, उसको हम सेंटेक्स एरर कहते हैं। और सेंटेक्स एरर को कुछ लोग कंपाइलर एरर या कंपाइल टाइम एरर्स भी कहते हैं। तो सेंटेक्स एरर को कंपाइलर एरर और कंपाइल टाइम एरर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर स्कैनएफ स्टेटमेंट को देखें तो ये भी दोनों स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे कि प्रिंटएफ है या स्कैनएफ है, वो रीडिंग का इनपुट का काम करता है। ये स्टैंडर्ड इनपुट लेने का तरीका है, जिसको कीबोर्ड जब रन करते हैं उसमें कीबोर्ड से दिया जाता है, उस वैल्यू को ये रीड करता है। स्कैनएफ के अंदर परसेंटेज डी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल इंटीजर्स को, डेसिमल इंटीजर्स मतलब दशमलव पूर्णांक संख्याएं, मतलब जिनका बेस, जिनका आधार 10 होता है, मतलब 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में 10 आ जाता है। सभी नंबर्स में इस तरह का नहीं होता, ये दशमलव पद्धति में होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज डी। और इंटीजर वन रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद परसेंटेज डी पर जो फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें हमने लिखा है परसेंटेज डी, मतलब ये एक इंटीजर डेसिमल इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में हमने कोमा लगाई है, कोमा के बाद में हमने एम परसेंट लिखा है, एम परसेंट रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को, मतलब जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो एम परसेंट और उसके बाद में वेरिएबल नेम, ये मिलकर स्कैनएप में उस मेमोरी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होनी है। और
स्कैनएफ में जब एग्जीक्यूशन टाइम हम कोई वैल्यू देंगे तो स्कैनएफ है उस वैल्यू को रीड करेगा और उस मेमोरी लोकेशन पे उसकी वैल्यू लिख देगा। जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो असाइनमेंट स्टेटमेंट में परफॉर्म होती हैं। मोस्टली असाइनमेंट स्टेटमेंट में प्रोसेस होती हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब है इक्वल का साइन। इक्वल का जो साइन है उसका मतलब है लेफ्ट राइट साइड में जो लिखा है, दाएं हाथ की तरफ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में लिखे वेरिएबल, बाएं हाथ की तरफ लिखे वेरिएबल में वो उनकी वैल्यूज को स्टोर कर देता है। ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब वहाँ पर एक इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इक्वल और प्लस मतलब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ना या किसी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को असाइन करना, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है एक कोई भी ऑपरेशन जिनके दो तरफ दो एलिमेंट लिखे होते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स का पर वो ऑपरेट होके हमें कुछ भी तीसरा आउटपुट देता है उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एडिशन जो है जो जोड़ना है वो दो संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, दो से कम संख्याओं को हम नहीं जोड़ सकते। एक प्लस साइन लिखा है तो उसकी तरफ दोनों तरफ हमें दो संख्याएं लिखेंगे, इसका मतलब वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो संख्याओं पर वो ऑपरेट होने वाला ऑपरेशन है। इसी तरह से इक्वल साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर वो भी उसके भी लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ हमें कुछ वेरिएबल नेम लिखने होते हैं, जो राइट साइड में लिखा है वो लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देता है। मतलब ये भी दो पर ऑपरेट होता है, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। प्रिंटएफ स्टेटमेंट जो लास्ट में लिखा है उसमें पहली फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने परसेंटेज डी लिखा है। परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर एक डेसिमल इंटीजर इनपुट में आएगा और कौन सा वेरिएबल आएगा वो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, मतलब ये कंट्रोल स्ट्रिंग जहाँ एंड खत्म होती है उसके बाद में कोई हमने आइडेंटिफायर लिखा है उस आइडेंटिफायर की वैल्यू वहाँ पर आएगी।